सो हे गाइस, 25 दिसंबर को रिलीज हुई वरुण धवन की मूवी भेड़िया, जो कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी चली और काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन करती हुई नज़र भी आई। ऑडियंस अभी इस मूवी को थिएटर के बाद ओटीटी पे देखने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों, 2 दिसंबर को आयुष्मान खुराना की रिलीज हुई मूवी एन एक्शन हीरो, जो कि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन नहीं कर पाई और ये मूवी थोड़ी बहुत एवरेज में रही या फिर फ्लॉप होती हुई नजर भी आई। बात करेंगे दोस्तों इन्हीं दो मूवीज के ओटीटी रिलीज डेट के बारे में और साथ ही में बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म के बारे में कन्फर्म अपडेट के साथ में। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें तो भेड़िया मूवी के हॉरर कॉमेडी देखने मिलने वाली है और साथ ही में बात करें दोस्तों भेड़िया के रिलीज डेट के बारे में तो ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने मिलने वाली है 25 से 30 तारीख के बीच में। इसी के साथ दोस्तों बात करें एन एक्शन हीरो, यह एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, आयुष्मान खुराना की मूवी है। बात करें तो दोस्तों एन एक्शन हीरो और भेड़िया मूवी, आपको ये दोनों मूवी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे देखने मिलने वाली है और ये मूवी आपको मिशन मजनू के रिलीज होने के कुछ दिन बाद नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे देखने मिल जाएगी। यानी कि आप एक अनुमान लगा सकते हो इसी महीने के 20 से 30 जनवरी के बीच में देखने मिल सकती है। तो दोस्तों आपको इन दोनों मूवीज के ओटीटी का अपडेट कैसा लगा और साथ ही में दोस्तों अगर आपको किसी वीडियो से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के मूवीज, वेब सीरीज, ओटीटी साथ में दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लेटेस्ट एक्यूरेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।